हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार और युवाओं को रोजगार देने को लेकर पोस्टर लगाने के मामले में आरोपी करनाल से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार और हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा पंचकुला ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास आत्मसमर्पण करने पहुंचे हैं, जहां उनके द्वारा अपनी जमानत भी लगाई जा रही है। दिव्यांशु बुद्धिराजा का कहना है कि राजनीतिक द्वेष रखते हुए उनके खिलाफ पोस्टर लगाने को लेकर मामला दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर उन्हें एक बार फिर समन नहीं भेजा गया।